अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। भाजपा नेता के ठिकानों से करीब 60 करोड़ रुपए की NCERT की नकली किताबें मिलने के बाद भाजपा को जैसे सांप सूंघ गया है। NCERT की इंटेलिजेंस विंग मेरठ पहुंच गई है और उसने अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। फैक्ट्री व प्रिंटिंग प्रेस पर मिली किताबें व तमाम घटनाक्रम चीख चीख कर साबित कर रहे हैं कि संपूर्ण घोटाले में भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता का हाथ है, लेकिन पुलिस उनका नाम लेते हुए झिझक रही है। कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल से संजीव गुप्ता की नज़दीकी ने भी कैंट विधायक की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गंभीर व दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पिछले करीब 10 साल से संजीव गुप्ता व उसके रिश्तेदार नकली किताबें छापने के काले धंधे में लिप्त हैं। यह बात कई मर्तबा उजागर भी हुई, लेकिन पैसे व रसूख के चलते हर बार ही मामला रफा दफा कर दिया गया। उत्तराखंड में संजीव गुप्ता की फर्म को नकली किताबें छापने के आरोप के चलते ही पहले ही ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। 10 साल से यह फर्म NCERT व अन्य संस्थाओं की फर्जी किताबें छाप रही थी और सरकारी विभागों को इसकी भनक नहीं लगी, यह कहना हास्यास्पद ही लगता है। 15 दिन पूर्व NCERT व दिल्ली पुलिस की गुपचुप दबिश और मोहकमपुर व नौचंदी क्षेत्र स्थित दो ऑफसेट मालिकों व खत्ता रोड निवासी बाइंडर से की गई सौदेबाजी इस बात का संकेत भर है कि विभाग संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता की कारगुजारियों से अनजान नहीं था। बता दें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर UPSTF की टीम ने प्रतापपुर क्षेत्र स्थित संजीव गुप्ता की प्रिंटिंग प्रेस व गोदाम पर छापे मारे थे। पुलिस कप्तान अजय साहनी के मुताबिक यहां से 30 करोड़ रुपए मूल्य की NCERT की फर्जी किताबें बरामद हुई थी। देर रात अमरोहा के गजरौला में भी सचिन व संजीव के ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां से करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की किताबें व मशीन बरामद हुई है। इस तरह बकौल SSP अजय साहनी, भाजपा नेताओं के इन ठिकानों से अभी तक 60 करोड़ रुपए की किताबें व मशीन बरामद हो चुकी है। दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि जिस वक्त यह छापा पड़ा उस वक्त भाजपा महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता वहां मौजूद था। भारी पुलिस की मौजूदगी में वह भाजपा का झंडा लगी अपनी इनोवा कार में बैठा और वहां से निकल गया। सत्ताधारी पार्टी का झंडा लगा होने के कारण पुलिस भी उसे रोकने का साहस नहीं जुटा सकी। इसका नतीजा यह सामने आया कि संजीव ने अपने भतीजे के व्यवसाय से अपना कोई लेना देना होने से साफ इनकार कर दिया। यह बात दिगर है कि घटनास्थल पर लगे होर्डिंग्स इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि संजीव गुप्ता ही यहाँ का सर्वेसर्वा है। कागजों में क्या है यह अलग बात है। ठीक वैसे ही जैसे करीब 7 साल पहले भाजपा के कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने अपने बेटे सुमित अग्रवाल को संजीव गुप्ता की फर्म से कागजों में अलग कर लिया था। तब संजीव वे सुमित अग्रवाल ने चित्रा व विद्या पब्लिकेशन के नकली मॉडल छापे थे। दोनों की संयुक्त शिकायत पर ही पुलिस ने तब यह छापेमारी की थी। चित्रा पब्लिकेशन भारी दबाव के कारण पीछे हट गया था, जबकि विद्या के खिलाफ संजीव ने बहराइच जैसे दूरदराज के जनपदों में कई मुकदमे दर्ज करा दिए थे, जिनकी पैरवी करना विद्या पब्लिकेशन को उस वक्त भारी पड़ा था। चित्रा पब्लिकेशन का समझौता कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के समधि चिल्ड्रन चॉइस के मालिक अनु गुप्ता ने करा दिया था। आज SSP अजय साहनी ने मीडिया को यह जानकारी दी। प्रतापपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है। कल शाम को SDF और जनपद पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है, दो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में रेड की गई थी। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में NCERT की किताबें थीं जो कि अवैध रूप से प्रथम दृष्टया छपी हुई पाई गई थी, और बहुत भारी संख्या में किताबें थीं। छापने की प्रिंटिंग की मशीनें पाई गई हैं। इसी के अनुक्रम में वहाँ करीब एक दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए जो मौके पर मिले पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ में निकल कर आया कि जनपद अमरोहा में भी एक गोडाउन है जहाँ पे ये छपाई का काम होता है। इस सूचना पर एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में रात में अमरोहा के गजरौला में भी 2 बजे रात को रेड की गई है, और वहाँ से भी भारी मात्रा में किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। सभी जो वस्तुएँ बरामद हुई हैं उनकी फर्द बनाई जा रही है। इसके साथ ही NCERT को भी सूचित किया गया है। उनकी जो विजिलेंस की विंग है और उनकी टीम है वो भी आ गई है। जो भी सामग्री पकड़ी गई है सभी सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, बताया जा रहा है जिस प्रिंटिंग मशीन में ये किताबें छपती थी वो प्रिंटिंग जो दफ्तर है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो संजीव गुप्ता का है और सचिन गुप्ता के चाचा हैं, तो क्या इस कारोबार में उनकी भी संलिप्तता है?
अभी ये सब जांच का विषय है, अभी एफआईआर भी चूंकि नहीं लिखी जा पा सकी है क्योंकि टोटल इतनी भारी मात्रा में बरामदगी है, करीब 50 करोड़ के आसपास की दोनों स्थानों पर मिलकर या उससे अधिक की रिकवरी हुई है, सभी चीज़ों की एक एक करके फर्द बन रही है। एनसीईआरटी की टीम भी आई है, एनसीईआरटी से भी चूँकि ये सारी किताबें एनसीईआरटी की थी इसलिए एनसीईआरटी को भी कहा गया है कि उनकी जो भी विजिलेंस टीम है वो भी हमें लिख कर दे कि क्या चीज़ें इसमें चल रही थी और इतनी भारी मात्रा में किताबें मार्केट में कैसे आ गई, जो कि उन्हें भी पता नहीं चली हैं। जहाँ तक इसमें संलिप्त लोगों का नाम है उसमें एक सचिन नाम के व्यक्ति का वोट पाया गया है और अभी एफआईआर पंजीकृत होकर उसमें विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना बड़ा नकली किताब कांड हिंदुस्तान में कहीं नहीं जितना इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरठ में किया है। वो बीजेपी के नेता की प्रिंटिंग प्रेस है और विधायक का लड़का इसमें पार्टनर है और जिसकी वो प्रेस है वो महानगर का उपाध्यक्ष है। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। मेरठ को भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, दिया कुछ है नहीं। और सारे नकली धंधे, खनन और ज़मीन कब्जाना, जितने भी गलत काम हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये किताब कांड अभिशाप है। चौधरी साहब ने 1978 में मेरठ कॉलेज में भाषण देते हुए कहा था कि जिस देश की शिक्षा, जिस प्रदेश की शिक्षा खराब हो जाएगी, जिस प्रदेश की शिक्षा अगर खराब होगी तो वो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए तुरंत। ये जिला प्रशासन उन्हें बचा रहा है, इन्होंने वहाँ से भगा दिया उन्हें, झंडा लगी हुई कार को चेक नहीं किया। उसमें भाजपा का नेता सचिन गुप्ता जिसकी जो प्रेस देखता है और ये सब वहाँ से भाग के जानबूझ के भगा दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी के हर धंधे में जो लोग इसमें लगे हुए हैं उन्हें जिला प्रशासन बचा रहा है। ऐसे ही तेल कांड में सबको बचा दिया, तो ये क्या मेरठ को बर्बाद करके मारने की भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी हो, इन भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी हो, महानगर के की अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हो और ये कैंट के विधायक का जो लड़का इसमें पार्टनर है उसकी भी गिरफ्तारी हो। तो इस प्रकार से इस मेरठ को बदनाम कर रहे, क्रांति धारा को बदनाम कर रहे, जिसने दुनिया में संदेश दिया था मेरठ का, जिसमें नाम है दुनिया में मेरठ का, उस मेरठ को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 6 MLA, 3 MP, 1 MLC और इतना कुछ इन्होंने, इस जनता ने इन्हें दिया और इन्होंने इस जनता को बर्बाद कर दिया, नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। इनकी देखरेख में इनके सामने किताबें जला दी गई, ये कुछ नहीं कर पाया। जिला प्रशासन आज भी उनके दबाव में है। ये बीजेपी वाले हुक्का बार ये चला रहे हैं, नशा ये बेच रहे हैं, खनन ये करा रहे हैं, कोई अपराध है जमीन ये कब्जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं इनके विधायकों को, बेलगाम हो गए हैं। समाजवादी पार्टी 24 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेगी इनके गिरफ्तारी के लिए। तेल में बचा दिए, हर चीज में बचा रहे, जिला प्रशासन मिला हुआ। हम मांग करते हैं कि इस किताब कांड में, इस नकली किताब कांड में तुरंत भाजपा के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी हो संजीव गुप्ता की, और इसके भतीजे की गिरफ्तारी हो कैंट MLA की जो इसमें पार्टनर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और सो रहा है प्रशासन। इस बातचीत के दौरान ही SSP को इस बात की सहमति जताते हुए देखा जा सकता है जिसमें यह संपूर्ण घोटाला 100 करोड़ के पार पहुंचने की बात कही जा रही है। बता दें कि फर्स्ट बाइट को मिले इनपुट के मुताबिक यह घोटाला अब 160 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकता है। इस बीच सपा ने 24 अक्टूबर को इस संपूर्ण कालाबाजारी व गोरख धंधे के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त नेताओं को भाजपा नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए। सपा के मैदान में कूदने के बाद भाजपा ने इस मामले में अपनी क्रिकरी होते देख संजीव गुप्ता को फिलहाल निलंबित कर दिया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया है। इस खबर में आज इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।